बातचीत करते करते ही अचानक से एक कटर निकालते हैं और कटर से उसके ऊपर एक जानलेवा हमला कर देते हैं। जान से मारने की कोशिश कर रहे थे वो लोग ऐसे करके हाथ के, तो पहले हाथ में लगा, फिर मेरे चेस्ट पे, उन लोग गले पे मार रहे थे, फिर मेरे चेस्ट पे लग गया, हाथ में लग गया। उन लोग नशे में थे सब, तीनों नशे में ही थे, तीन लोग थे, उन लोग रुकवा लिए। नशे के विरुद्ध लगातार पुलिस एक तरफ जहां पर अभियान चला रही है कि लोग नशे से दूर रहें, और वहीं दूसरी ओर भिलाई में नशे के चलते बहुत सारे क्राइम के मामले सामने आ रहे हैं। कुछ लोग नशे करके कटर लेकर घूम रहे हैं और कटर को हथियार बनाकर एक जानलेवा हमला लोगों के ऊपर कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पांडे है और आप लोग केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं लाल बहादुर शास्त्री जो सिविल अस्पताल है वहाँ पर खड़ा हूँ। आए दिन यहाँ पर लगातार कटर से हमले के मामले सामने आ रहे हैं। इससे एक दो दिन पहले भी हमने आपको खबर दिखाया था कि जो व्यक्ति नशा मुक्ति अभियान चला रहा है उसके ऊपर ही कटर से हमला कर दिया जा रहा है। उसके बाद उन्हें इस अस्पताल में लाया जाता है, उनके पीठ में बहुत लंबा कट लगा होता है, उसमें टाका लगा जाता है, फिर वो सेफ हालत में उन्हें घर छोड़ा जाता है। और आज भी हमें शाम को खबर आती है कि पवन साहू नामक एक युवक जो कॉलेज में पढ़ाई करता है वो एक दिन पहले घर से अपने बाहर घूमने निकलता है, वहीं तीन युवक आकर उसे गाड़ी की चाबी छीन लेते हैं। चाबी छीन कर उसे कहते हैं कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। फिर वो जैसे तैसे बात करके अब चाबी वापस लेता है, अपनी गाड़ी को अपने हाथ में लेता है और वापस अपने घर चले जाता है और इस मामले को सीरियसली नहीं लेता है। फिर दूसरे दिन फिर से वो अपनी गाड़ी लेकर के घूमने बाहर निकलता है। वापस से वही तीन लोग उसके ऊपर उससे आते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं और बातचीत करते करते ही अचानक से एक कटर निकालते हैं और कटर से उसके ऊपर एक जानलेवा हमला कर देते हैं। सेल्फ डिफेंस में वो अपनी बाएँ हाथ आगे करता है और उनके हाथ में एक बहुत लंबा कट और छाती में एक बहुत लंबा कट लग जाता है। उसके बाद उन्हें यहाँ पुलिस के द्वारा अस्पताल में लाया जाता है। अस्पताल में लाने के बाद जो स्टिच वाला सेक्शन होता है, स्टिच सेक्शन में लाकर उन्हें रखा जाता है और टाका लगाया जाता है। वहीं फिर जब मैंने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि अहमद नामक कोई व्यक्ति है, वो कंफर्म नहीं है। उनका ये कहना है कि अहमद नामक कोई व्यक्ति है जो उनके ऊपर लगातार उनसे बातें कर रहा है, उन्हें धमकी दे रहा है। जो एक दिन पहले वही व्यक्ति है जो कि गाड़ी की चाबी भी छीन लेता है, उनसे बात करके अचानक से एक जानलेवा हमला करता है। उसके बाद वो वहाँ से फरार हो जाता है। हालांकि मैंने जब पुलिस से बात की तो उन्होंने कहा कि शायद वो उनके गिरफ्त में आ चुका है, फ़ोटो के माध्यम से उसकी शिनाख्त कर ली गई है। हालांकि जो मेन मुद्दा है वो है कि लगातार दुर्ग पुलिस जो कि एक तरफ मुहिम छेड़ रही है कि नशे से दूर रहें और कह रही है कि दुर्ग में क्राइम का रेट कम हो जा रहा है, वहीं आप लगातार सुन रहे हैं कि क्राइम का रेट कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। लोग कटर लेकर के लगातार किसी के ऊपर भी मनसूबे जो उनके कायम हैं किसी के ऊपर भी हमला कर दे रहे हैं। उसके बावजूद पुलिस की जो डर है वो लगता है कहीं ना कहीं क्रिमिनल के अंदर नहीं है। वहीं जो यहाँ स्टिच करते हैं, मैंने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उनका भी ये कहना है कि लगातार जो मामले हैं कटर से हमले के वो सामने आ रहे हैं। कैसे पूरा मामलों का बताएंगे, कौन था, क्या हुआ? मैं उसको जानता भी नहीं था जी। कल वो मिला मेरे को, मेरे गाड़ी का चाबी छीन लिया पावर हाउस में। फिर पावर हाउस में मेरी गाड़ी का चाबी छीन लिया और बुला रहा था, तो हम लोग गए नहीं उसके पास, मैं दूसरी चाबी बना के घर चले गया। तो आज मैं सेक्टर 1 गया था, जा रहा था मतलब, तो उन लोग रास्ते में मेरे को रुकवा लिया। फिर उन लोग बहस करने लग गया मेरे से। फिर उन लोग फिर क्या बहस कर रहे थे, क्या कह रहे थे? उन लोग नशे में थे सब, तीनों नशे में ही थे, तीन लोग थे, उन लोग रुकवा लिए। तो हम लोग रुके, तो फिर बातचीत हुआ, 2-3 मिनट बात हुआ कि किस लिए। मैं उसको पूछा मेरी गाड़ी का चाबी क्यों छीना था, यही सब बात हुआ। फिर उत्ते में जो उसके साथ था अहमद, वो सीधा मेरे पे मारा और तुरंत वो लोग गाड़ी स्टार्ट की और चले, और मेरे गले पे मार रहे थे, तो मैं थोड़ा पीछे हटा तो फिर यहाँ पे पड़ा मेरे। अहमद को पहचानते हैं आप? हाँ पहचान, मैं जानता किसी को नहीं हूँ, मैं जानता किसी को नहीं हूँ। तो क्यों, कोई दुश्मनी आपकी पहले झगड़ा हुआ हो? मैं जानता ही नहीं हूँ, मैं बता तो रहा हूँ आपको कुछ। अहमद को कैसे पहचानते हैं आप? वो अभी सब नाम ले रहे थे तो उन लोग पता किए मेरे फ्रेंड लोग, तो उसका नाम अहमद है, तो वही मेरे को अभी पता चला। क्या जान से मारने की कोशिश कर रहे थे वो लोग? उन लोग तीनों नशे में थे, अब मेरे को क्या पता कि जान से मारना चाह रहे थे कि। तो पर्सनल डिफेंस में अपने हाथ ऊपर किया तो हाथ में भी चोट आई? ऐसे करके हाथ किया, तो पहले हाथ में लगा, फिर मेरे चेस्ट पे, उन लोग गले पे मार रहे थे, फिर मेरे चेस्ट पे लग गया, हाथ में लग गया। यहाँ कैसे है, कौन लेकर आया आपको? हाँ मेरे को पुलिस लेकर आई है। फिर यहाँ से हम लोग पहले भट्टी थाना गए, वहाँ पे दिखाए, फिर वो लिख के दिए, तो फिर यहाँ आए। तो क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए फिर आगे? होना चाहिए उनको सज़ा मिलना चाहिए। विनोद कुमार जी हैं जो कि स्टिचिंग करते हैं, टाँका लगाते हैं। आप बहुत सारे मामले आ रहे हैं कटर से चाकू से मारने वाले, डेली आ रहे हैं, आज दिन डेली आ रहे हैं, कल भी आया था, हाँ जी कटर वाला था, आज भी कटर वाले बहुत चल रहे अभी कटर वाले। कल क्या मामला था कटर का? कल कटर का तो कोई वो
प्लेम्बर वो कोई ठेकेदार था, उनको कोई पैसों से देने जा रहा था, वो मार दिया कल कोई बस बैठ के। तो जी कल से एक दिन पहले भी कटर का ही मामला आया, किसी ने कटर से हमला किया था। हाँ जी, वो क्या मामला था? सब वही सारे सब ये आपस में विवाद वाले हैं सारे, और कुछ नहीं है सारे। लगातार मामले आ रहे हैं कटर के, लगातार आज जो मामला है उसमें क्या बहुत बड़ा कट लगा हुआ था उनको? तो वो कुछ पता बताया नहीं, ऐसा कुछ तुमको बताया नहीं, बस हमारे पास वो केस आई तो हम स्टीज बस के कुछ नहीं। कितना टका लगा होगा आज उनके में? तो अभी कम से कम 13 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो करीब 15-16 टके आए अभी। 15-16 टके? जी जी जी, काफ़ी लंबा मतलब अभी लंबा चेस्ट में लगे पर। तो क्या कुछ अपडेट रहेगा इस मामले में, देखते रहेगा केपी न्यूज़। धन्यवाद।